और अगली खबर है चीन से जुड़ी हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज की सबसे बड़ी खबर, चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के पास एयर वार एक्सरसाइज की है। चीन के 21-22 फाइटर एयरक्राफ्ट ने वार एक्सरसाइज की। चीन ने J-11 और J-16 फाइटर जेट से वार ड्रिल की है। पोटन, गरगुंसा और काश्तगर एयरफील्ड में चीन की वार ड्रिल। तो चीन लगातार तैयारियां कर रहा है और तैयारियों करने के पीछे की कहानी भी समझना जरूरी है। पिछली बार इसी मौसम में और इन्हीं हालातों में जिस तरह से भारत ने चीन को मात दी थी, चीन उस घाव को अभी तक भूला नहीं है और कवायद की जा रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हालात LAC पर फिर से बिगड़ जाएं। तो आपको ये पूरी तस्वीर समझाते हैं, LAC पर चीन ने किस तरह से दोबारा हिमाकत की है। पूर्वी लद्दाख में चीन के करीब 2 दर्जन लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास किया है। 24 लड़ाकू विमान पूर्वी अभ्यास में चीन ने J-11S और J-16 विमानों से युद्धाभ्यास किया है। चीनी, ये जो चीन के विमान हैं इनके बारे में भी समझिए, हवाई अभ्यास के दौरान अपने ही क्षेत्र में रहे, यानी कि वो जो सीमा है, जो वायु सीमा होती है उसको उन्होंने पार नहीं किया है। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय लड़ाकू विमानों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, भारत की ओर से भी पूरी तैयारियां हैं। चीन के युद्धाभ्यास पर भारत की नज़र है क्योंकि लगातार चीन इस तरह की गतिविधियां वहां पर कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के करीब 2 दर्जन लड़ाकू विमान ने किया है युद्धाभ्यास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।